हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू टैक्स पेनर। इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको वन प्लस नॉर्ड सी ई फोर का इन डेप्थ रिव्यू देने वाला हूँ। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने इसको अनबॉक्स करा था, अगर आपने वो नहीं देखी तो जो आई बटन पे लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वाली वीडियो को मैंने टाइम्स टाइम्स में कैटेगराइज कर दिया है, जिससे कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक पार्ट देखना हो तो आप वो देख सकते हो। अगर आप इसको खरीदने का सोच रहे हो तो आई विल रिकमेंड कि आप इसको पूरा देखो, इस वीडियो को, जिससे आपको सारी चीज़ों के बारे में अंदाज़ा हो जाए। तो सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पिछली वाली वीडियो पे 2 सब्सक्राइबर बढ़े थे, इस पे कम से कम 10 बढ़ेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। ऑलराइट, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट कैटेगरी जो है डिज़ाइन एंड बिल्ड, राइट। तो वन प्लस नॉर्ड सी ई फोर, दिस इज़ द फ़ोन, और मैं इसका कवर उतार के आपको दिखाना चाहता हूँ कि पिच पीछे से किस तरीके का लगता है। सो कुछ इस तरीके का इसका डिज़ाइन है, राइट। ये बॉक्सी डिज़ाइन के साथ आता है। इसके ऊपर यहाँ पे 2 कैमरेज दिए गए हैं और यहाँ पे एक ये रिंग लाइट सॉर्ट ऑफ फ्लैश दी गई है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, मैं इसको बहुत अच्छा तो नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये प्लास्टिक का बना हुआ है। प्लास्टिक के बने होने का एक बेनिफिट ये है कि इसका जो वेट है वो हल्का होगा, और वो चीज़ आप इसको हाथ में लेते ही फील करते हो। ये फ़ोन वैसे तो 186 ग्राम्स का है, बट हाथ में बहुत बहुत हल्का फील होता है, विच इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर दिस थिंग। जो बॉक्सी डिज़ाइन होते हैं वो सैमसंग के सस्ते फ़ोन की याद दिलाते हैं, तो इसकी वजह से मैं प्रिफर नहीं करता बिल्कुल भी जो बॉक्सी डिज़ाइंस होते हैं। ये फ़ोन IP54 रेटिंग के साथ आता है, तो मतलब ये केवल ड्रिजल्स जो होते हैं पानी के, हल्की फुल्की छींटे, उनको तो ये हैंडल कर सकता है, बट इसको आप अगर पानी में डालोगे तो दैट विल नॉट बी दी वाइज थिंग टू डू। ये एक ऐसा फ़ोन है जो मेरे को फ़ोन कवर के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि जो फ़ोन का कवर है, आप ये देखो यहाँ पे ना, ये थोड़ा सा इसके जो एजेस हैं वो थोड़े स्मूथ टाइप हैं, तो जैसे ही आप इसको लगाते हो ये बॉक्सी फील देना बंद कर देता है। ये मेरे को विदाउट कवर की जगह पे कवर के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये जो फ़ोन है ये हाथ में थोड़ा सा स्लिपरी फील करता है, अगर आपके हाथ गीले हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपके हाथ से छूट जाए, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। जो पीछे वाला पैनल है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिंगरप्रिंट आते हैं, और बिकॉज़ दिस इज़ अ ग्लॉसी प्लास्टिक तो यहाँ पे स्क्रैच आने की भी बहुत ज़्यादा चांसेज हैं, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना होगा। एक चीज़ अच्छी है इस फ़ोन के बारे में कि ये जो बॉक्सी डिज़ाइन है साइड में यहाँ से ये कर्व्ड है, तो अगर आप इसको काफ़ी देर तक अपने हाथ में पकड़ के इस तरीके से रहोगे तो आपके जो हाथ पे मार्क्स नहीं आएंगे, बिकॉज उसकी जो एजेस हैं वो कर्व्ड है। सो दिस वॉज अबाउट द डिज़ाइन। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी के ऊपर जो है डिस्प्ले। इस फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो 6.7 इंच की है और ये फुल एमोलेड डिस्प्ले है। इसके ऊपर, इस डिस्प्ले के ऊपर अगर आप मूवी देखते हो, गेम खेलते हो या फिर और कोई कंटेंट को कंज्यूम करते हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये जो डिस्प्ले है ये डीपर कॉन्ट्रास्ट, डीपर ब्लैक्स और रिच कलर्स ऑफर करती है, जिसकी वजह से जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ट्रास्ट की वाइट और ब्लैक में कितना कितना कॉन्ट्रास्ट है, एंड थैंक्स टू द एमोलेड स्क्रीन ये व्यूइंग एक्सपीरियंस और भी टॉप नॉच हो जाता है। ये स्क्रीन 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जिससे जो कि एक स्मूथ और फ्लूड एक्सपीरियंस ऑफर करता है। अगर आप कुछ भी स्क्रॉल कर रहे हो तो आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ही स्मूथ होने वाला है, और ये खासकर आप इस चीज़ को आप तब नोटिस कर सकते हो जब आप किसी भी मेन्यू को स्क्रॉल कर रहे हो या फिर कोई गेम खेल रहे हो या फिर अगर आप कोई वीडियो को देख रहे हो जो कि बहुत फास्ट मोशन वाली है। इस फ़ोन के अंदर DC डिमिंग भी आती है, मतलब कि अगर जो लोअर ब्राइटनेस पे अगर आप इस फ़ोन को यूज़ कर रहे हो, मतलब 90 निट्स के नीचे, तो DC डिमिंग के थ्रू ये जो फ्लिकर होता है वो बेसिकली कम हो जाता है, और जो आई पे स्ट्रेन पड़ता है आंखों पे वो कम हो जाता है। तो बेसिकली वो आई प्रोटेक्शन फीचर कह सकते हो आप उसको एक तरीके से। अगर मैं फ़ोन के डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के बारे में बात करूँ तो इस पे ट्वाइस रीइंफोर्स ग्लास प्रोटेक्शन यूज़ करा गया है। अगर यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन होता तो वो ज़्यादा बेटर होता और आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता अगर कभी फ़ोन गिर जाए बाई चांस। इस फ़ोन की जो ब्राइटनेस है वो टोटल ब्राइटनेस 1100 निट्स की है। अगर आप ब्राइटनेस की बात करो तो इंटरनली, मतलब अगर आप ब्राइटनेस की बात करो तो घर के अंदर और घर के बाहर, मतलब इंडोर आउटडोर, दिस इज़ एडिक्वेट, मतलब आपको फ़ोन को यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये फ़ोन DCI-P3 कवरेज के साथ आता है, बट इसके अंदर कोई ऐसा डेडिकेटेड मोड नहीं है जिससे आप उसको टर्न ऑन या फिर ऑफ कर सको गैमट कवरेज को। इस डिस्प्ले के अंदर जो मेरे को एक प्रॉब्लम लगी वो ये है कि अगर आप YouTube के ऊपर जाके 4K 60 FPS में किसी भी वीडियो को प्ले करोगे
तो वो रुक रुक के चलती है, मतलब वहाँ पे स्टटर फील होता है। ये मैं चीज़ आपको दिखा देता हूँ, अभी पहले मैं इसको 180-60 FPS पे चलाता हूँ। ये भी 180-60 FPS पे ही चल रही है, बट मेरे को यहीं पे ये थोड़ी स्टटर करती हुई दिख रही है। 1080-60 FPS पे पहले इसको प्ले करके देखते हैं कि इस पे कोई स्टटर हो रहा है कि नहीं हो रहा। वीडियो में मेरे को स्टटर दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे आके इसको सिक्सटी एफ पी एस पर प्ले कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे को फिर भी स्टटर दिख रहा है। सो दिस वॉज समथिंग विच आई वॉन्टेड टू टेल यू कि यहाँ पे 4K 60 FPS पे स्टटर दिखता है इस फ़ोन के अंदर। तो आप 4K 60 FPS को के कंटेंट को इतना अच्छे से कंज्यूम नहीं कर पाओगे, सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ये फ़ोन Snapdragon 7 Gen 3 के साथ आता है। इसके अंदर LPDDR4X रैम अवेलेबल है, और इसकी जो स्टोरेज है वो UFS 3.1 है। अब अगर मैं इसके डे टू डे यूसेज के बारे में बात करूं, सो दिस इज़ वेरी स्मूथ। आप देखो कि अगर मैं किसी भी ऐप को खोलता हूँ, लेट्स से मैं क्रोम भी खोल लेता हूँ, गीक बेंच खोल लिया मैंने, और यहाँ से यूट्यूब म्यूज़िक को खोल लिया, तो अब अगर मैं इसको फिर से रीओपन कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि जो एक्टिविटी है वो किसी भी ऐप की रीस्टार्ट हो रही है। दिस इज़ अ वेरी सीमलेस एक्सपीरियंस। डे टू डे यूसेज में इस फ़ोन में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो इसका प्रोसेसर है वो काफ़ी अच्छा है, और UFS 3.1 के साथ आता है, तो इन द लॉन्ग टर्म आपको इस फ़ोन को यूज़ करते हुए बहुत ही स्मूथनेस फील होगी, और ऐसा कहीं पे लैग नहीं होगा। अगर इस फ़ोन के कैमरा क्वालिटी के बारे में बात करा जाए, इस फ़ोन का मेन कैमरा सोनी LYD 600 सेंसर के साथ आता है, और जो सेकेंड कैमरा है वो 8 MP का है। बट इस जो भी मैंने सैंपल लिए हैं वो मैं आपको सारे स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये कुछ फोटोज मैंने इस कैमरे से लिए थे। अगर मेरे को आपको ओपिनियन देना हो इस कैमरा के बारे में, तो मैं बोलूँगा कि ये एवरेज है, मतलब ये वन प्लस के स्टैंडर्ड का मेरे को नहीं लगता, मतलब इट्स ओके इश। अगर आप सोच रहे हो कि आपको इस फ़ोन के अंदर जो कैमरा मिलेगा वो बहुत बेटर मिलने वाला है, तो मतलब आई फील लाइक यू विल बी डिसअपॉइंटेड। जो डायनेमिक रेंज है वो मेरे को कम लगी, और मेरे को अल्ट्रा वाइड कैमरे के साथ जो फोटोज़ आती हैं वो मेरे को थोड़ी वॉश्ड आउट लगी। साथ ही साथ मैंने जो वीडियोस रिकॉर्ड करी हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर अल्ट्रा स्टेडी मोड आता है, जिसकी वजह से आप, क्योंकि ये कैमरा OIS के साथ आता है, तो इसके अंदर जो अल्ट्रा स्टेडी मोड है वो मिलता है। मतलब आपको चलते हुए, अगर आप चलते हुए वीडियो बनाते हो या भागते हो, तो आपको वीडियोस कंपैरेटिवली स्मूथ मिलेंगी। तो ये मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं जो OIS के साथ हैं और जो विदाउट OIS हैं, तो आप उसमें डिफरेंस देख सकते हैं। इस फ़ोन के अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि इसके अंदर वेरिएबल अपर्चर का सिस्टम देते हैं, मतलब आप अपने फोकस को सेट कर सकते हो, एंड दे आर डूइंग इट थ्रू यूजिंग एज डिटेक्शन टेक्नोलॉजी, जो AI में बेसिकली यूज़ करते हैं। तो वो मेरे को नीट फीचर लगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। उसके बाद अगर इसकी बैटरी लाइफ के बारे में हम बात करें, तो इसकी बैटरी 5500 mAh के साथ आती है, और इसके अंदर 100 W का फास्ट चार्जर मिलता है। अगर इसके एवरेज स्क्रीन ऑन टाइम की बात करें तो वो 6.5 से लेकर 7 आवर्स तक का है, और अगर आप कैजुअली डेली यूजेज करते हो तो इसकी जो बैटरी है वो 1 से 2 दिन तक आप चला सकते हो आराम से। ये फ़ोन चार्ज होने में 30 मिनट लगाता है फ्रॉम 1 टू 100। अगर मैं इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ, तो ये फ़ोन ब्लोटवेयर के साथ लोडेड आता है। मतलब लोडेड कहना भी गलत होगा, बट इसके अंदर आपको चीज़ें मिलती हैं जो ऑलरेडी आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो गेम्स आप देख रहे हो, ब्लॉक फास्ट, ब्लॉक ब्लास्ट, बबल पॉप, राइट, और कुछ ऐप जैसे पॉलिसी बाजार हो गया, और उसके साथ साथ यहाँ पे ये जो सर्च वाला फीचर है, यहाँ पे भी आई थिंक कभी कभी एड्स आते हैं। दैट इज़ समथिंग विच इज़ देयर, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये जो ऐप्स हैं आप उनको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो, आप इजीली उनको अनइंस्टॉल कर सकते हो और आप अपने एक्सपीरियंस को क्लीन बना सकते हो, बट स्टिल ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसके अंदर प्रीलोडेड ऐप्स आते हैं, राइट। उसके अलावा अगर मैं सेटिंग्स और कस्टमाइजेशन की बात करूं, तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारे कस्टमाइजेशंस के ऑप्शन मिलते हैं।
और अगर आप वॉलपेपर एंड स्टाइल में जाओगे तो यहाँ पे आपको फॉन्ट्स चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है, आइकन्स को कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन मिलता है, मतलब ये जो ऑप्शन है आप इनकी शेप बदल सकते हो, राइट। उसके अलावा यहाँ पे आप थीम्स, डिफरेंट थीम्स को डाल सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो इनके थीम स्टोर से। उसके बाद में यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर काफ़ी सारे मल्टीपल आपको ऑप्शंस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ये कार्बन फुटप्रिंट वाला है वो मिलता है यहाँ पे, और दिस थिंग इज़ देयर होमलैंड वाला, और यहाँ पे इन्होंने डिफाइन भी करा हुआ है कि मतलब किस चीज़ के बारे में है यहाँ पे ये, राइट, कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा। बट सबसे बेस्ट जो चीज़ मेरे को लगी वो ये लगी मेरे को इनसाइट वाली कि मतलब दिस इज़ जो आपको बताता है कि आपने अपना फ़ोन किस तरीके से यूज़ करा है। अपने फ़ोन को 2 बार अनलॉक करा तो यहाँ पे इस वाली स्ट्रिप पे 2 गैप्स हो जाएंगे, और वो बताएंगे कि जितना बड़ा गैप होगा आपने उतना ज़्यादा यूज़ करा है, राइट। तो ये कुछ इस तरीके का लगता है, और दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस टच दिखाने के लिए आप अपना फ़ोन कितनी बार यूज़ कर रहे हो। जैसे यहाँ पे 0 अनलॉक्स लिखा है, तो अगर आप लेट्स से आपने 6 बार फ़ोन को अनलॉक करा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और इस लाइन पे 6 गैप्स आ जाएंगे, जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना लंबा गैप होगा। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस टच, राइट। इस तरीके के ऊपर यहाँ पे लगा सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे, ये कैनवास बना सकते हो, कस्टम पिक्चर्स बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे इसको इस तरीके से करा तो हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं शेप डालने के लिए, तो दिस इज़ अ वेरी नाइस। अगर एज लाइटिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको एज लाइटिंग भी मिलती है, नोटिफिकेशंस के टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिंगरप्रिंट एनिमेशन के बारे में बात करें तो वो भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं उस चीज़ के। डार्क मोड भी आता है इस फ़ोन के अंदर, तो आप अपने फ़ोन को डार्क मोड पे सेट कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको एक फ़नी चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑडियो के अंदर अगर हम जाएंगे साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आई थिंक, तो यहाँ पे ओ रियलिटी ऑडियो मिलती है, और यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा हुआ है ओ रियलिटी ऑडियो इज़ ओपो ऑडियो लैब्स न्यू ऑडियो एनहेंसमेंट टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली मतलब कि अगर आप डिफरेंट टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो ऑडियो, तो आप यहाँ पे उसको डिफरेंट, दिस इज़ मोर लाइक इक्विलाइजर, बट इनको यहाँ पे कम से कम ओपो तो हटा ही देना चाहिए था। इवन तो हम सारे लोग जानते हैं कि ये सब सेम ही सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं आप अपने फ़ोन में, मतलब आप वन प्लस का फ़ोन ले रहे हो उसके अंदर आपको ओपो लिखा हुआ दिख रहा है, तो दैट इज़ समथिंग विच आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट। उसके बाद इनका इसके जो जो हैप्टिक सिस्टम है मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा डेमो दिया है वो हैप्टिक का, तो जिस तरीके से ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, राइट, जैसे ये बॉल यहाँ पे गिरी या फिर ये स्लाइड हो रहा है, तो इसकी जो हैप्टिक मोटर है वो उस चीज़ को अडेप्ट करके उस हिसाब से उसका कभी वाइब्रेशन तेज़ हो रहा है, कभी जैसे ये शूट हो रहे हैं अभी, तो जो वाइब्रेशन मोटर है वो शूट के लिए के टाइम पे बहुत हाई जा रही है, और वो फील आपको एक्चुअली अपने हैंड में हो रहा था। मतलब बेसिकली ये लोग ये दिखा रहे हैं कि अगर आप गेम खेल रहे हो तो उस टाइम पे हैप्टिक किस तरीके से हो सकते हैं, यहाँ पे हैप्टिक इंटेंसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, और इस फ़ोन के जो हैप्टिक हैं वो मेरे को मतलब डिसेंट लगे, मतलब मैं उसको बुरा नहीं कहूँगा, अच्छे हैं, और उन्होंने वेल इंटीग्रेट कराया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको स्क्रॉल कर रहे हो, अगर आप एकदम से टच कर जाते हो ऊपर जाके मेन्यू ये, तो फिर से हैप्टिक आता है बताने के लिए कि इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब आप फील करते हो। अगर आप बैक कर रहे हो तब हैप्टिक मोटर आपकी एक्टिवेट हो जाती है, टाइप कर रहे हो तब हो जाती है, तो दिस इज़ अ वेरी नाइस टच। क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन 14 आता है, ऑक्सीजन OS 14 आता है, तो आपको उसके कुछ फीचर्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइल डॉक या फिर स्मार्ट कटआउट, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा भी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे ये देखो, तो ये यहाँ पे एक स्पॉट है स्टेयर्स पे, इसको मैं हटाता हूँ, तो अगर आप यहाँ पे AI इरेजर पे जाओगे और अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो ये इसको ऑटोमेटिकली हटा देगा। अब ये चीज़ मतलब आई थिंक कॉमन हो चुकी है, धीरे धीरे इसके ऐप्स भी आने लग जाएंगे, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और आई थिंक अभी भी ऑलरेडी अवेलेबल है कैनवा और ये सारी चीज़ें, तो आप देख सकते हो कि इसने किस तरीके से काम करा। इट्स नॉट परफेक्ट बट इट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन योर फ़ोन। तो ये सारी चीज़ें कुछ वन प्लस के ऑक्सीजन 14 OS में आपको हैंडी मिलती हैं। इसके साथ वन प्लस बोलता है कि इसके अंदर आपको 2 साल का OS अपडेट भी मिलेगा। बात करते हैं कनेक्टिविटी की। इसके अंदर जो सबसे बुरी चीज़ मेरे को लगी वो ये है कि इसके अंदर आपको कोई भी NFC का सपोर्ट नहीं मिलता, उसकी जगह पे इन्होंने यहाँ पे IR ब्लास्टर दिया है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, बट आई थिंक उसकी जगह पे NFC की जगह पे इसको देना इज़ नॉट आई थिंक गुड। उसके साथ इसके अंदर Wi-Fi 6 एंड Bluetooth 5.4 का सपोर्ट है अलॉन्ग साइड डुअल सिम, और इसके अंदर 5G बैंड्स मिलते हैं आपको, 7 सारे नहीं मिलते
बट आपको N77 एंड N78 बैंड मिल जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, और आई थिंक वो स्पीड को हैम्पर नहीं करेंगे, आप जो स्पीड है वो यूटिलाइज कर पाओगे 5G की अच्छी। अगर इसके बायोमेट्रिक्स के और सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो इस फ़ोन के अंदर आपको फेस लॉक मिलता है, फिंगरप्रिंट मिलता है और स्क्रीन लॉक जिस तरीके से आप मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो इसका फिंगरप्रिंट है वो मेरे को सुपर लगा, बहुत अच्छा, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही फास्ट है, ब्लेजिंग फास्ट कह सकते हैं। बहुत अच्छा आपको सारे बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं। इसके अंदर सिक्योर फोल्डर भी आता है, इसके अंदर आप अपनी फ़ोटोज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे जाते हो और अगर आप इसको प्राइवेट करना चाहते हो, सेट एज प्राइवेट, तो आप वो भी कर सकते हो। वो ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे इनबिल्ट मिलता है, आपको कोई एडिशनल ऐप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं इसकी ऑडियो क्वालिटी की बात करूँ तो वो मैं इसको ओ रिलैक्स ऐप के थ्रू दिखाना चाहूँगा। मैं अपने माइक के पास लेके जाऊंगा और तब मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। इस फ़ोन के अंदर मैं आपको बता दूं, डुअल स्पीकर्स आते हैं, तो नीचे से ऊपर दोनों जगह से आपको साउंड आएगी, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इसकी ऑडियो क्वालिटी से मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ। ओके जी, तो कुछ इस तरीके की इसकी ऑडियो क्वालिटी है, और मैं कह सकता हूँ कि ये सेगमेंट के अंदर बेस्ट ऑडियो क्वालिटी वाला फ़ोन है। साथ साथ इसके अंदर जो हाईज़, लोज़ और मिड्स हैं वो बहुत ही अच्छे से मैनेज्ड हैं, तो इसकी ऑडियो क्वालिटी को हम 100 में से 100 मार्क्स दे सकते हैं। बात करते हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी के ऊपर, वाटर रेजिस्टेंस के ऊपर, तो ये फ़ोन मेरे को इतना ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं लगा। इसके अंदर IP54 का सपोर्ट आता है, मैंने आपको बताया था, और इसका जो बैक है वो मतलब ग्लॉसी प्लास्टिक के साथ आता है, तो इस पे इजीली स्क्रैच पड़ जाते हैं, तो आपको इस फ़ोन को संभाल के रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब यू कैन नॉट जस्ट थ्रो इट एंड यूज़ इट विदाउट कवर, क्योंकि स्क्रैच मार्क्स पड़ जाएंगे, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, और वो फ़ोन अच्छा। अगर मैं इस फ़ोन की प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो ये फ़ोन 25,000 के आसपास आता है, 8 GB वेरियंट और 256, 8 GB रैम एंड 256 GB वेरियंट के साथ। इस फ़ोन के ऊपर आपको जनरली 1500 का डिस्काउंट मिल जाता है, तो ये और अगर आप सेल चल रही है तो आप उसमें इसको आप 23,200-250 के आसपास भी ख़रीद सकते हो, क्योंकि मैंने भी इसको उसी उतने ही प्राइस का ख़रीदा था। अब अगर इसके यूज़र रिव्यूज़ के बारे में बात करें तो हम एक बार अमेज़ॉन पर चलते हैं और वहाँ पर देख लेते हैं कि यूज़र्स क्या बोल रहे हैं इसके बारे में। ऑलराइट गाइज, अब हम अमेज़ॉन पे हैं और हम यहाँ पे OnePlus Nord C 4 के यूज़र रिव्यूज़ एक बार देख लेते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे काफ़ी कार्ड्स पे आपको 1500 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसके बाद इसको 1,000 लोगों ने करीब रेट करा हुआ है, और यहाँ पे अगर आप AI जनरेटेड अमेज़ॉन रिव्यू देखोगे तो वहाँ पे AI ने लिखा है कि मतलब परफॉर्मेंस को लेके जो यूज़र रिव्यूज़ हैं वो मिक्स्ड हैं, बाकी कैमरा को, बैटरी लाइफ को लेके, चार्जिंग और डिस्प्ले को लेके लोगों ने इसको अच्छा रेट करा है। राइट, अब यहाँ पर अगर मैं एक रैंडम रिव्यू उठाऊँ कोई, तो लेट्स से इसके बारे में बात करते हैं, तो इसने बताया कि परफॉर्मेंस स्मूथ है, और क्या बोलते हैं, कैमरा ठीक हो सकता था। राइट, आई ऑल्सो हैव द सेम ओपिनियन अबाउट कैमरा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आके देखो तो किसी ने बोला है कि फोर की वीडियो रिकॉर्डिंग में OIS सपोर्ट नहीं होता, BGMI जो गेम होता है वो लैग करता है, और हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट यहाँ पे दिया हुआ है, तो विच इज़ देयर। उसके बाद ये यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो इनको अच्छी नहीं लगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, LED नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, बट आई थिंक वो तो अब ना के बराबर फ़ोन में ही आती है। ठीक है, अगर टॉर्च ऑन होती है तो 3 से 5 मिनट के अंदर हीट हो जाता है। आई थिंक दिस कैन बी अ पॉइंट एंड दिस कैन नॉट बी अ पॉइंट, क्योंकि ये काफ़ी फ़ोन में चीज़ होती है ऑलरेडी। राइट, आई डोंट थिंक दिस इज़ ट्रू, क्योंकि येलो कैसे पड़ जाएगा? सो आई एम नॉट रियली श्योर कि ये वाला रिव्यू सही भी है कि नहीं है, क्योंकि जो इस फ़ोन के साथ जो बैक कवर आता है वो ब्लैक, और जो दूसरा कवर आता है वो आई थिंक ग्रीनिश मार्बल कलर का होता है, तो वो येलो कैसे पड़ जाएगा? वाइट कलर के जो केस होते हैं ट्रांसपेरेंट वाले, वही येलो पड़ते हैं, तो हम यू कैन नॉट रियली बिलीव ऑन दिस थिंग, तो वी आर स्किपिंग दैट रिव्यू। ठीक है, और ये इसका जो पॉइंट है वो वैलिड है कि 4K 60 FPS पे बैक कैमरा रिकॉर्ड नहीं करता, केवल 4K 30 FPS पे करता है, तो विच इज़ अ डील ब्रेकर इन अ वे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आके देखो तो ये सेम ही चीज़ है,
बट अब एक काम करते हैं, जल्दी से ऊपर जाके यहाँ पर रिव्यू को सॉर्ट कर लेते हैं मोस्ट रिसेंट से, और देख लेते हैं कि लोग किस तरीके का बता रहे हैं। कोई बोल रहा है कि वाईफाई की स्पीड उसको अच्छी नहीं लग रही, कोई बोल रहा है कि, बट ये वाला फ़ोन पुराना है राइट, तो इस पे भी नहीं जा सकते। उसके बाद इट्स ओके, मतलब इफ़ स्पेंडिंग अराउंड 25K, VGMI डजेंट रन वेल, जैसा कि अब ये इस चीज़ को दूसरा यूज़र बोल रहा है, फ्रेम ड्रॉप ऑन लैग। तो मतलब मैंने आपको बताया था कि गेमिंग के लिए दिस फोन इज़ नॉट गुड, मतलब अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हो तो उस हिसाब से चल जाएगा, बट अगर आप हार्ड कोर गेमर हो तो फिर ये चीज़ आपके लिए सही नहीं रहेगी। उसके बाद ये चीज़ एकदम सही, LYT कैमरा डाउनग्रेड है IMX सेंसर पे। अगर आप 100 वॉट का चार्जर लोगे तो थोड़ा तो ओवर हीटिंग होगी राइट, उसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, बट अगर आप इसको 23,000 के बजट में देख रहे हो तो ये फ़ोन बुरा नहीं है, ये फ़ोन ठीक है राइट। इसका जो लिंक है वो नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप खरीद सकते हो अगर आपका मन है तो। अगर इसके फ्यूचर सॉफ्टवेयर सपोर्ट के बारे में बात करें तो वन प्लस इस पे 2 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट की गारंटी दे रहा है। और अगर इसके साथ एसेसरीज़ के बारे में बात करें तो इस फ़ोन के अंदर आपको सिम इजेक्टर टूल मिलती है, और सिम इजेक्टर टूल मिलता है उसके साथ, इसके अंदर आपको चार्जर मिलता है और कोई भी ईयरफोन नहीं मिलता। इस फ़ोन के अंदर 3.5 mm का जैक नहीं है, तो दैट इज़ समथिंग विच यू नीड टू कंसिडर। तो अगर मैं अपने फाइनल थॉट्स दूँ इस फ़ोन के बारे में तो दिस इज़ अ डिसेंट फ़ोन राइट। इवेंचुअली जब आप इसको यूज़ करोगे तो यू विल फील गुड विद दिस फ़ोन इन योर हैंड। अगर ये फ़ोन आपके हाथ में है तो ये आपको अच्छा लगेगा। ये फ़ोन वेल ऑप्टिमाइज्ड है, इसके OS के साथ हैप्टिक्स और सारी चीज़ें वो सब अच्छे से ऑप्टिमाइज करी गई हैं। लॉक बटन कह सकते हैं उसको, या फिर आप जो वॉल्यूम रॉकर्स बटन है वो सारे एक ही साइड पे दिए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये फ़ोन किसको लेना चाहिए? तो ये फ़ोन आई थिंक अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप बहुत ज़्यादा गेमिंग नहीं करते हो तो आप ले सकते हो इसको राइट। अगर आप कैजुअल कंटेंट कंज्यूम करते हो या फिर आप केवल ब्राउजिंग करते हो, बहुत ज़्यादा गेमिंग नहीं करते हो, तो आप इस फ़ोन को ले सकते हो। इवन दो इसका जो प्रोसेसर है वो गेमिंग को हैंडल कर सकता है, बट अगर आप एक्सट्रीम गेमिंग करते हो तो आई विल नॉट सजेस्ट यू दिस फ़ोन। सेकेंड थिंग, अगर आप अपने पेरेंट्स को या फिर किसी एल्डर को ये फ़ोन लेके देना चाहते हो तो दिस विल टर्न आउट ग्रेट फॉर देम, और वो काफ़ी टाइम तक इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, किसी लैगिंग की कोई। सो दिस वॉज माई रिव्यू फॉर OnePlus CE 4। ये रिव्यू मैंने इस तरीके से देने की कोशिश करी है कि ज़्यादातर जितने भी लोग देखें उन सबको समझ में आ जाए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो पर कम से कम 10 सब्सक्राइबर मिलेंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। लाइक करिए, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस एंड डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि मैं हर कमेंट पर ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियो।